अजीत तलबा हमारा आज का प्रोग्राम हुलिया यानी सेल और उसकी साख्त के बारे में है पौधे और जानवर खावो किसी शक्ल और साइज़ के हों सबके सब सेल से मिलकर बने होते हैं ये तमाम जानदार जानवर पौधे लाखों की तादाद में सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं खुद हमारा जिसम भी लाखों की तादाद में सेल्स पर मबनी है लेकिन ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि खाली आँख से दिखाई नहीं देते इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप या खुरबीन इस्तेमाल करना पड़ती है आइए एक स्लाइड देखते हैं ये जो हरकत करता भिड़ंगा सा सेल नज़र आ रहा है ये हकीकत में एक जानदार है जिसको अमीबा कहते हैं इसका जिसम सिर्फ एक खलिया पर मुश्तम है ये हरकत भी करता है ज़रा ग़ौर करें तो मालूम होगा कि राह में पड़ी हुई खुराक के ज़रों को खाने की कोशिश कर रहा है देर तक मुताला करें तो ये तकसीम होता भी नज़र आता है अमीबा किसी भी बड़े जानदार की तरह हरकत करता सांस लेता नशोनुमा पाता खाता पीता और फाजिल मादों को ख़ारिज करता और अपनी ही तरह के अमीबा भी पैदा करता है ये वो तमाम अफ़ाल अंजाम देता है जो ज़िंदगी की खसूसियत हैं ये एक सेल पर मुश्तमिल होता है जिन जानदारों का जिसम एक खलिया या सेल पर मुश्तमिल हो उन्हें यक खलिया या, या यूनिसेलर कहते हैं जिन जानदारों का जिसम एक से ज़्यादा खुलियों पर मुश्तमिल हो उन्हें कसीर खलवी या मल्टी कहते हैं इंसान पौधे और जानवर सब के सब मल्टी सेलुलर हैं अमीबा की तरह दूसरे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जानदारों के खलिए भी वो तमाम अफ़ाल अंजाम देते हैं जो ज़िंदगी की अलामत हैं इसीलिए सेल को ज़िंदगी की बुनियादी इकाई कहा जाता है आइए मैं आपको कुछ सेल दिखाऊं। हमारे मुंह की अंदरूनी दीवार बनाने वाले कुछ सेल्स जो बड़ी आसानी से बिला तकलीफ़ अलहदा हो सकते हैं ये देखते हैं इनको स्लाइड की मदद से देखेंगे क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और आम आंख से नज़र नहीं आएंगे ये चीक सेल्स हैं इनमें और अमीबा में कुछ ममासलत हैं इनके अंदर भी अमीबा की तरह माया नज़र आ रही है और एक कदर कसीफ़ बेजवीसी शक्ल भी है इसके गेट भी एक झिल्ली है माया को साइटोप्लाज्म कहते हैं और कसीफ़ बेजवी शक्ल को मरकजा या न्यूक्लियस कहते हैं और सेल की झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं आए आपको चीक सेल और अमीबा का सेल इस कार्ड की मदद से दिखाएँ इसमें काफ़ी चीज़ें मुशतरक हैं जैसे साइटोप्लाज ये चीक सेल में भी है और अमीबा में भी है न्यूक्लियस सेल मम्ब्रेन इनमें काफ़ी चीज़ें मुशतरक हैं यानी ये एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुसलत रखते हैं इस मुसलत के बावजूद इनमें एक फ़र्क भी है अमीबा हरकत करता है और चीक सेल बेहिशो हरकत हैं आप ज़रा सोचें अगर हमारे जिसम के तमाम सेल अमीबा के सेल की तरह हरकत करने लगें तो क्या होगा यही ना कि हमारा जिसम अपनी शक्ल बरकरार नहीं रख सकेगा और ना ही वो कोई काम ठीक तरीके से सर दे सकेगा मल्टी सेवलर जानदारों के खुलिएूनी सेलर जानदारों के सेल की नस्बत महदूद दायरे में रहकर काम करते हैं इनके जिसम के सेल ख़ास कामों के लिए मखसूस होते हैं आइए इसकी मिसाल लेते हैं जैसे पाकिस्तान को जिसम तस्वुर करें और इसमें मौजूद आबादी जो है वो सेल्स हों अब इसमें हर शख़्स को आज़ादी हासिल है कि वो पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए कुछ पाबंदियाँ भी करें आइए सेल की कीमियाई साख पर गौर करते हैं कीमियाई तजिए से मालूम हुआ है कि सेल पानी लहमियात ग्लूकोज, चिकनाइयाँ मदनियात विटामिन और न्यूक्लिक एसिड के ख़ास तनासब में मिलने से बना हुआ है इस मेज़ पर हमने ये सब कीमियाई मवाद रखा हुआ है क्या इनको मिला देने से क्योंकि ये भी उसी तनासब से है जिस तनासब में ये सेल में मौजूद होते हैं क्या इनको मिला देने से सेल बन जाएगा आइए देखें इनको मिलाते हैं ये तो एक गुब्बार आलू महलूल नजर आ रहा है ठहरे इसकी स्लाइड बनाते हैं इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं इसमें हमें सिर्फ़ बुलबुले और पानी में तैरते मादे नज़र आ रहे हैं सेल की झिल्ली न्यूक्लियस तो नज़र ही नहीं आ रहे और ना ही इन मादों में ज़िंदगी के आसार हैं खुलिया के अंदर ये तमाम कीमियाई मादे यूँ ही मिक्स नहीं होते बल्कि ये बाहम मिलकर एक ख़ास तरतीब तंजीम में ख़ास शक्लों की सूरत में मौजूद होते हैं और ये ख़ास शक्लें उन मादों की नस्बत ज़्यादा आला पाए की खसूसियात रखती हैं यानी उगने बढ़ने और खाने पीने की सेल के अंदर इन शक्लों को सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सेल ऑर्गेनल्स इतने छोटे होते हैं कि आम हुडबीन से दिखाई नहीं देते इसके लिए एक ख़ास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है जो सेल्स को कई गुना बढ़ा करके दिखाती हैं सेल की ये तस्वीर इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है और ये असल से कई हज़ार गुना बड़ा करके ली गई है ये इस चीक सेल और अमीबा से कहीं पेचीदा है जो हमने आम माइक्रोस्कोप से देखे थे इसमें बहुत कुछ नज़र आ रहा है साइटोप्लाज्म जो आम माइक्रोस्कोप में माया जैसा लग रहा था ऐसा नहीं है इसमें तो बहुत से पेचीदा रास्ते भी हैं और शक्लें नज़र आ रही हैं इस तस्वीर में शेड की वजह से ऑर्गनल्स की साख्त ज़्यादा वाज नज़र नहीं आ रही आइए मॉडल और इस शक्ल की मदद से सेल का मतलब करें ये तस्वीर है और ये मॉडल है तस्वीर और शक्ल से सेल फ्लैट लगता है सेल दरअसल थ्री डायमेंशनल होता है जैसा कि ये मॉडल है साइटोप्लाज्म जैसा कि हमने तस्वीर में भी देखा यकजान मादा नहीं है देखिए इसमें ये बहुत से झिल्लीदार रास्ते और पेचीदा से रास्ते नज़र आ रहे हैं ये न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फ़ैले होते हैं इनके अलावा इसमें और बहुत सी चीज़ें शामिल हैं यानी कि न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनल्स भी हैं ये सब सेल्स में बहुत अहम काम अंजाम देते हैं हम चीक सेल और अमीबा के खुदबीनी मुशाह में ऑर्गनल्स में से सिर्फ न्यूक्सी को देख पाए थे क्योंकि न्यूक्सी सेल का नुमाया और अहम तरीन हिस्सा है ये सेल में डिक्टेटर की तरह काम करता है ये सेल की ज़िंदगी और उसके अफाल को कंट्रोल करता है आइए न्यूक्लियस का तफसीली जायज़ा लेते हैं जैसा कि आप मॉडल में देख रहे हैं ये दोरी और सुराखदार झिल्ली में लिपटा हुआ है इस झिल्ली को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में मादों के दाखले और अखराज का रास्ता भी है और न्यूक्लियस के मादों को एक जगह भी रखती है न्यूक्लियस सेल के अफ़ाल डिक्टेट करता है कि क्या करना है प्रोटीन जिंदगी का अहम हिस्सा हैं इनसे सेल के ऑर्गेनल्स बनते हैं प्रोटीन खामरों और हारमोनस की सूरत में सेल के कीमियाई अमल और अफ़ाल को जारी वसाई रखती हैं सेल में हज़ारों की तरह की प्रोटीन होती हैं और ये सब की सब सेल के अंदर ही बनती हैं और न्यूक्लियस सेल को बताता है कि कौन सी प्रोटीन बनना है न्यूक्लियस ये काम किस तरह करता है न्यूक्लियस की कीमियाई साख्त के तजिए से इसकी ताकत का राज अफशा हुआ न्यूक्लियस के अंदर एक मालिक्यूल डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है इसे मुख्तर करके डी एन ए कहते हैं न्यूक्लियस की ताकत का राज दरअसल ये मालिक्यूल है न्यूक्लियस के अंदर डी एन ए प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम की शक्ल में मौजूद होता है आम हालात में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते जब सेल तकसीम होने लगता है तो क्रोमोसोम धागों जैसी शक्ल में नुमाया हो जाते हैं देखिए ये तकसीम होते हुए सेल की स्लाइड है इसमें कदरे गहरे रंग के जो धागे से नजर आ रहे हैं ये क्रोमोसोम्स हैं इन्हीं को वाज तौर पर देखने के लिए इनकी शक्ल देखते हैं ये क्रोमोसोम्स हैं जो डीएनए और प्रोटीन से बने हुए हैं डीएनए के बारे में मज़ीद तफ़ील के लिए डॉक्टर गुजसिया डी न्यूक्लिक एसिड, जिसे मुख्तर तौर पर डीएनए कहा जाता है दरअसल छः मुख्तफ किस्म के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ एक बड़ा मॉलिक्यूल है इसकी शक्ल चक्करदार जीने किसी होती है आइए इसकी साख्त का मतलब करने के लिए हम इस शक्ल की मदद लेते हैं देखिए ये डीएनए के मॉलिक्यूल की शक्ल है अगर आप इसे ग़ौर से देखें तो ये बहुत से मॉलिक्यूल से बना हुआ है जो इस शक्ल में मुख्तलिफ रंगों के शक्लों की सूरत में दिखाए गए हैं ये देखिए अब अगर आप इस शक्ल को गौर से देखिए तो आप देखेंगे कि इस सीने की जो रेलिंग है ये हिस्सा ये दो तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ है ये एक गोल शक्ल के हैं जो फॉस्फेट कहलाते हैं और ये जो दूसरे कदरे बड़े हैं ये शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं और अगर आप इसकी रेलिंग को देखें तो थ्रू आउट शुरू से आखिर तक ये इन्हीं दो मॉलिक्यूल से बनी हुई है और अब आते हैं इसके जीने के कदमों की तरफ इन्हें देखिए तो आप फ़ौर नोट कर लेंगे कि ये दो तरह के मॉलिक्यूल से बनी हुई हैं ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा और थ्रू आउट ये भी दो ही कस्म के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है डीएनए का ये छः तरह की जैसे मैंने पहले भी बताया था मॉलिक्यूल से मिलकर बना है फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जो गोल नुक्तों की शक्ल में नज़र आ रहे हैं और शुगर के मॉलिक्यूल्स ये जो कदरे बड़े हैं इसके अलावा ये कदम बनाने वाली नाइट्रोजन बेसिस जो चार किस्म की हैं जो यहाँ आप देख रहे हैं एडनिन थायमिन साइटोसिन और गवानी यहाँ ये यह बात गौर है कि इस चक्करदार जीने के जो कदम हैं वो सिर्फ ख़ास कस्म की बेसिस के दरमियान बंधन बनने से बने हैं मसला यहाँ आप देखिए कि एड हमेशा थायमीन के साथ मिलकर जोड़ा बनाती है और साइटोसिन हमेशा गवानीन के साथ मिलकर जोड़ा बनाती है और आप गौर कीजिए कि थ्रूआउट ये जोड़ों की जो आपस में बंधन है वो यही है कि एडनिन थायमिन के साथ गवानी साइटोसिन के साथ ये आप इसके किसी हिस्से में भी देखें तो जोड़े इन्हीं के दरमियान बने हुए हैं क्या डीएनए के कदम बनाने वाले ये जोड़े जो हैं इनकी तरतीब एक ही है शुरू से आखिर तक या मुख्तलिफ है अगर आप गौर करें इस शक्ल पर तो आप देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल के मुख्तलिफ हिस्सों में आ, ये जो नाइट्रोजन बेसिस के जोड़े हैं इनकी तरतीब मुख्तलिफ है आइए देखते हैं देखिए यहाँ पर इस हिस्से में पहला जोड़ा जो है वो एडनिन और थायमिन का है दूसरा गवानीन और सैटोसिन का और तीसरा थायमीन और एडनिन का अब इसके अगले हिस्से में देखें तो पहला जोड़ा तो वही है कि एडनिन और थायमीन लेकिन दूसरा बदल गया है साइटोसिन और गवानिन यानी इस तरफ है साइटोसिन और तीसरा फिर वही है थायमीन और एडनिन इसके तीसरे हिस्से में देखिए तो ये तरतीब फिर थोड़ी सी और बदल जाती है तो इसका मतलब ये है कि डीएनए के मॉलिक्यूल में ये जो जोड़ों की तरतीब है ये मुस्तकिल नहीं है ये बदलती रहती है डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसिस की ये तूली तरतीब ही दरअसल वो कोड है जो न्यूक्लियस से सेल को मुख्तफ़ किस्म की प्रोटीन्स बनाने के लिए जारी होता है सेल को बहुत से किस्म की प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है और डीएनए के इस मॉलिक्यूल में हर तरह की प्रोटीन बनाने के लिए अलहदा आलहदा कोड होता है डीएनए के अंदर ये जो बेसिस की तूली तरतीब की शक्ल में कोड है ये जीन कहलाता है और यही सेल के अंदर मुख्तलिफ अफ़ाल को कंट्रोल करता है सेल के अंदर प्रोटीन्स एक और ऑर्गेनाइल में बनती हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं आ, इस मॉडल में देखिए ये जो न्यूक्लियस के ऊपर आपको पेचिदा रास्ते नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर ये जो आप सफ़ेद रंग के बाहर नहायत गैर अहम नुकत देख रहे हैं ये दरअसल रेबोसोम्स हैं इनके अंदर प्रोटीनस बनती हैं हर किस्म के काम के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है बल्ब रोशन होने के लिए तवानाई बिजली से आती है हमें काम करने के लिए तवानाई खुराक से मिलती है सेल में जो इतने ढेर सारे काम हो रहे हैं उसके लिए तवानाई कहाँ से आती है आइए देखते हैं सेल ये तवानाई काबले हल मादों जैसे ग्लूकोज चिकने तुरशों और एसिड से लेता है ये मादे सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए सेल में दाखिल होते हैं सेल मेम्ब्रेन सेल का वो हिस्सा है जहाँ सेल का बैरूनी माहौल से रताता कायम होता है सेल मेम्ब्रेन मादों के सेल में दाखिले और खारिज होने का रास्ता है लेकिन ये हर किस्म के मादों को दाखिल होने और ख़ारिज होने नहीं देती इसकी इसी खासियत की वजह से कहते हैं कि ये सेलेक्टिवली पर्मिबल है सेल मम्ब्रेन से दाखिल होने वाले खाम मादे सेल के अंदर इस थैली नुमा औरगनल में मुख्तलिफ की किमियाई अमलों से गुजर कर सेल के लिए मादों को काबिल इस्तेमाल बनाते हैं इसे लाइसोसोम कहते हैं जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में हमने देखा था सेल के साइटोप्लाज्म में झिलियों में लिपटे हुए कई रास्ते या चैनल्स हैं ये देखिए इनमें बास पर नुकत की शक्ल में राइबोसोम्स हैं और बाज़ सादा हैं इन रास्तों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इन रास्तों के जरिए सेल के अंदर मुख्तलिफ मादे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं सेल में इनके अलावा एक और किस्म के चिपटे रास्ते भी हैं इनको गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं इनके रास्ते सेल में बनने वाली रतूबतें मसलन हारमोन्स मुंतकिल होते हैं आप ये मूँग पली की शक्ल के ऑर्गेनल्स देख रही हैं इनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर दाखिल होने वाले मादों से तवनाई पैदा करने का घर है। लाइसोसोम इन मादों को ग्लूकोज़ में बदलता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज से तो पैदा होती है आपने नोट किया कि सेल में किस कदर तंजीम है आइए माइटोकॉन्ड्रिया की साख देखते हैं ये दोरी झिल्ली में बंद है इसके अंदर ये खाने से अंदरूनी झिल्ली से बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के अंदर सेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें इसका अपना डीएनए है और बहुत से एंजाइम्स हैं जो ग्लूकोज से तवानाई पैदा करते हैं ये तो आर्जी तौर पर एक कीमियाई मरकब एटीपी की शक्ल में जमा रहती है और ज़रूरत के वक्त सेल इसे इस्तेमाल करता है माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज से तोानाई पैदा करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सेल में तोानाई इस किस्म के अमल से पैदा होती है जिससे हम ईंधन से तो हासिल करते हैं ईंधन ऑक्सीजन से मिलकर जलता है तो हरारत की शक्ल में तोानाई पैदा होती है ये तो जानवरों के सेल्स की साख थी आइए अब पौधों के सेल्स की साख देखते हैं जानवरों के सेल्स के तमाम ऑर्गेनेल्स पौधों के सेल्स में मौजूद होते हैं इनके अलावा इनमें और भी ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं जो उन्हें जानवरों के सेल से मुमताज़ बनाते हैं आइए एक सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं आपको सेल के गिर्द दोहरी लाइन नज़र आ रही है बैरूनी लाइन सेल की दीवार है ये नामी मादे से बनी है और ये सेल के अंदर से ही मादों के अफराज से बनी है ये हर तरह के मादों को खारिज और दाखिल होने देती है इसके अंदर दूसरी लाइन सेल मेम्ब्रेन है जो जानवरों के सेल की मेम्ब्रेन की तरह सिर्फ़ सिलेक्टेड मादों को ही खारिज होने या दाखिल होने की इजाज़त देती है पौधों के सेल्स में दूसरी इजाफ़ी चीज़ बड़ा सा ख़ालिया है या वैक्यूल है ये देखिए इस शकल में नजर आ रहा है इसकी वजह से साइटोप्लाज्म सेल की दीवार से लगा हुआ है अलबत् साइटोप्लाज्म इस वैक्यूल में तारों के जाल की शक्ल में गुजर रहा है इन सेल्स में ये सबसे रंग के जो ऑर्गेनेलिस नजर आ रही हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं ये भी सिर्फ पौधों के खलियों में होते हैं इनका काम सूरज की तवनाई को कैद करना होता है ताकि पौधे का सेल इस तवनाई की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपनी खुराक बना सके ख़ुराक बनाने का ये अमल फोटोसेंसिस कहलाता है यही पौधों की खुराक हम सब इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं अजीज तलबा आइए अब अहम नुकात दोहरा लेते हैं तमाम जानवर और पौधे सेल से बने हैं सेल जानवरों और पौधों के जिसम की बुनियादी इकाई है सेल के अंदर बहुत से साखते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं सेल की ऑर्गेनेल्स और दीगर मवाद झिल्ली में बंद होता है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ये सेल के अंदर जाने वाले और इससे खारिज होने वाले मादों का चुनाव करती है पौधों के सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वाल भी होती है सेल के ऑर्गेनालिस में न्यूक्लियस है जो अपने डीएनए से सेल के अफाल और जिंदगी को कंट्रोल करता है झीलीदार पेचीदा रास्ते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और बैरूनी माहौल के दरमियान राबते का काम करते हैं राइबोसोम्स हैं जो न्यूक्लियस के कोड के मुताबिक प्रोटीन बनाते हैं लाइसोसोम्स हैं जो एंजाइम से भरी थैलियाँ हैं इनमें खाम मादे सेल के इस्तेमाल के काबिल मादों में तब्दील होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल का तो घर हैं इनमें में से तोानाई पैदा होती है पौधों की सेल्स में इनके अलावा सेल वाल होती है जो सेल से अफ़राज होने वाले मादे से बनती है सेल वैक्यूल होता है प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें से क्लोरोप्लास्ट जो सूरज की रोशनी की तोनाई को कैद करता है अज़ीज़ तलबा आज का प्रोग्राम हुलिया, यानी सेल के बारे में था इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज अजीज तलबा आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जानवरों और पौधों के सेल किस तरह और क्यों तकसीम होते हैं आपने बायोलॉजी की किताब में पढ़ा होगा कि जानवरों और पौधों के सेल एक ख़ास साइज तक पहुँच तकसीम होना शुरू हो जाते हैं इसका मतलब यह है कि ये सेल्स एक ख़ास साइज से ज़्यादा बड़े नहीं होते मसलन ये एक यूनीलर स्टेंटोर है इसका सेल बड़े साइज़ के सेल्स में शुमार होता है ये तकरीबन दो मिलीमीटर तक बड़ा होता है और खाली आंख से भी नज़र आता है मगर इसका साइज इससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता ऐसा क्यों है सेल के साइज़ में खास हद तक इजाफा में दो चीज़ें रुकावट पैदा करती हैं पहली चीज़ तो सेल का वॉल्यूम यानी हजम और सतह का रकबा यानी सरफेस एरिया का तनासुब है आप तो जानते हैं कि सेल में तमाम ज़रूरी मादे यानि ऑक्सीजन अमीनो एसिड्स शक्कर और मदनियात सब के सब सेल की सतह यानी से, सेल मेम्ब्रेन से ही दाखिल होते हैं अगर सेल का वॉल्यूम सतह की नस्बत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो सेल में दाखिल होने वाले तमाम ज़रूरी मादे सेल की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते अगर सेल का वॉल्यूम उसकी सरफेस एरिया की नस्बत ज़्यादा हो जाए तो सेल में दाखिल होने वाले तमाम ज़रूरी मादे इस बढ़ते हुए वॉल्यूम की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते सेल का साइज बड़ा हो जाने से सेल के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के तनासब पर क्या असर पड़ता है इसको समझने के लिए सेल के वॉल्यूम और सरफेस एरिया का तनासब मालूम करना होगा आइए देखते हैं फ़र्ज करें कि ये दो गोले सेल हैं ये ऑरेंज कलर का है और यह ब्लू कलर का है इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है इनके वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या तनासुब है ये देखते हैं सबसे पहले किसी गोले का वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फार्मूले जानना होंगे अगरचे ये हिसाब है लेकिन तमाम साइंसी अलूम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं किसी गोले का वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फार्मूले कुछ इस तरह से हैं वॉल्यूम यानी हजुम बराबर है चार बटा तीन ज़रब पाई ज़रब आर क्यूब इसी तरह सरफेस एरिया बराबर है चार ज़रब पाई ज़रब आर स्क्वेयर यहाँ आर बराबर है रेडियस के यानी गोले का निस्फकोत्र है और पाई की कीमत है बाईस बटा सात फ़र्ज़ करें कि इन दो गोलों में जो ये रेडियस है इसका 10 सेंटीमीटर है यानी कि नस्फकोत्र 10 सेंटीमीटर है और इस ऑरेंज कलर का 20 सेंटीमीटर है यानी कि इसका नस्फ कोत्र 20 सेंटीमीटर है फार्मूलों की मदद से इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम मालूम किया तो कुछ इस तरह से निकला ऑरेंज रंग के गोले का हुजम यानी वॉल्यूम तैंतीस हज़ार पाँच सौ तेईस इशारिया आठ क्यूबिक सेंटीमीटर है और इसी तरह इसका सरफेस एरिया यानी सतह का रकबा पाँच हज़ार अट्ठाईस इशारिया पाँच स्क्वेयर सेंटीमीटर है जबकि नीले रंग के गोले यानी नीले सेल का वॉल्यूम चार हज़ार एक सौ नब्बे इशारिया चार क्यूबिक सेंटीमीटर है और इसी तरह इसका सरफेस एरिया यानी सतह का रकबा एक हज़ार दो सौ इशारिया एक स्क्वेर सेंटीमीटर है नीले रंग के गोले यानी सेल के वॉल्यूम और सरफेस एरिया में तनासब तीन और एक का है जबकि ऑरेंज रंग के गोले यानी सेल में वॉल्यूम और सरफेस एरिया का तनासुब छः और एक का है यानी नीले रंग के सेल के एक मुरबा सेंटीमीटर रकबे में दाखिल होने वाले तमाम ज़रूरी मादे उसके तीन मकाब सेंटीमीटर वॉल्यूम में तकसीम हो जाते हैं इसी तरह औरेंज रंग के गोले यानी सेल के एक मुरबा सेंटीमीटर सतह के रकबे से दाखिल होने वाले तमाम ज़रूरी मादे छः मकाब सेंटीमीटर वॉल्यूम में तकसीम होते हैं बड़े ऑरेंज सेल के एक मुरबा सेंटीमीटर सतह से दाखिल होने वाले तमाम ज़रूरी मादे नीले सेल के नस्बत दुगने हजुम की ज़रूरत पूरी करते हैं सेल का साइज बड़ा हो जाने से सेल के व्यूम पे ज़्यादा असर पड़ता है और जिसकी वजह से बड़े वालीम की ज़रूरियात पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है सेल के साइज़ में इजाफा से सतह के रकबा की नस्बत हजुम ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से इस बढ़ते हुए हजम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़्यादा मादे सेल में दाखिल नहीं हो सकते इसीलिए गोल या मकाब नुमा सेल्स का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता दूसरी चीज़ जो सेल के साइज़ में हद से ज़्यादा इजाफा में रुकावट का बायस बनती है वो न्यूक्स से मुतलिक है न्यूक्लियस जो सेल के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करता है सेल में इजाफ़ा से उसमें में भी इजाफा हो जाता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस के लिए इतने बड़े सेल के सेल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और इसी तरह उसमें बदनज़मी फैलने का अम्कान है इस मसला के तीन मुमकिन हल हैं पहला हल तो ये है कि सेल का साइज़ ही ना बढ़ने दिया जाए ऐसा इन सेल्स में होता है जो मल्टी सेलुलर जानदारों के जिसम में मखसूस फेल अंजाम देते हैं और ये एक ऑप्टिमम साइज तक पहुँच कर नशो रोक देते हैं इसकी मिसाल मैदा की दीवार बनाने वाले सेल्स हैं न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को कंट्रोल रखने का दूसरा हल ये है कि न्यूक्लियस अपनी जैसे बहुत सी कापियाँ बना ले जो सब मिलकर सेल के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करें ऐसा बड़े साइज़ के यूनिसेलर जानदारों में होता है मसला ये स्टैंडोर है इसका शुमार बड़े साइज़ के सेल्स में होता है इसके जिसम में आपको ये मोतियों की माला जैसे न्यूकलियाई नज़र आ रही हैं ये एक चेन बनाते हैं बड़े सेल के वालों में इजाफा से पैदा होने वाले मसाइल पर शक्ल में तब्दीली से काबू पाते हैं ये लंबूतरे और चिपटे हो जाते हैं इस तरह इनके ही सेल के तमाम हिस्से सतह के करीब पहुँच जाते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस का कंट्रोल रखने का तीसरा हल ये है कि सेल जब ऑप्टिमम साइज तक पहुँचते हैं तो वो एक से जायद सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं यानी कि एक से दो सेल्स में तकसीम हो जाते हैं कई यूनीलुलर जानदार इसी तरीके से अपनी तादाद में इजाफ़ा करते हैं और इसी तरीक़े से मल्टी जानदार वजूद में आते हैं तेज़ी से नशोनुमा पानी और तकसीम होने वाले सेल्स की कोई खास शकल और फेल नहीं होता ये ज़्यादातर नुमा शक्ल के होते हैं और इन सेल्स में वॉल्यूम और सरफेस एरिया का तनासब और न्यूक्लियस के कंट्रोल का मसला इनके साइज़ में इजाफा की राह में रुकावट है और सेल के तकसीम होने के लिए ये एक तरह का महरिक बनते हैं आइए अब देखते हैं कि सेल किस तरह तकसीम होते हैं सेल में न्यूक्लियस सेल के तमाम अफ़ाल के लिए कोड फ्राहम करता है और ज़रूरी है कि ये कोड जूँ का तू और मुकम्मल सूरत में नए बनने वाले सेल्स को मुंतकिल हो लिहाजा सेल यूं ही अंदाजन दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकता सेल तकसीम होने से पहले न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जो इस कोड के अमीन है अपनी एक एग्जैक्ट नकल तैयार करते हैं इस स्टेज को इंटरफेस कहते हैं आप जानते हैं कि हर जानदार के लिए क्रोमोसोम्स की तादाद मखसूस है मसलन इंसान में 46 सिक्स क्रोमोसोम्स हैं और फ्रूट फ्लाई में आठ क्रोमोसोम्स हैं जो जोड़ों की शक्ल में नज़र आ रहे हैं सेल की तकसीम से पहले हर क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी तैयार करता है और यूं एक क्रोमोसोम के दो हिस्से हो जाते हैं जो एक मकाम से सेंट्रोमेयर के जरिए जुड़े हुए हैं लेकिन सेल की स्लाइड में ये तब्दीलियां हम नहीं देख सकते मसलन इस स्लाइड में इंटरफेस के दौरान न्यूक्लियस को देख रही हैं मगर हमें क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं दे रहे इंटरफेस के बाद सेल तकसीम होना शुरू हो जाता है सेल की ऐसी तकसीम जिसमें न्यूक्लियर मादे बिल्कुल एक जैसे हिस्सों में तकसीम हो माइटोसिस कहलाती है माइटोसिस को हम सहूलत की खातिर चार मुख्तलिफ़ मरल में तकसीम करते हैं वरना यह तकसीम तो एक मुसलसल अमल है सेल की तकसीम के पहले मरहले को प्रोफेज़ दूसरे को मेटाफेज़ तीसरे को एनाफेज़ और चौथे और आखिरी मरहले को टीलोफ़ेज़ कहते हैं आइए शक्लों और पौधे के तकसीम होते हुए सेल की माइक्रोस्कोप स्लाइड की मदद से मुतालिया करते हैं ये देखें ये सबसे पहले मरले प्रोफेस की शक्ल है इसमें आपको सेल की आम हालत से क्या फ़र्क नज़र आ रही हैं ज़रा गौर करें इसमें न्यूक्लियस में, में क्रोमोसोम्स धागों की शक्ल में नमूदार हो गए हैं जो कि आम सेल में नज़र नहीं आते दूसरा फ़र्क ये है कि ये रॉड डुमा साखते नमूदार हो गई हैं जिनको सेंट्रियोल्स कहते हैं ये सिर्फ़ जानवरों के सेल में होते हैं सेल में इनका फ़ेल अभी तक मालूम नहीं हो सका तीसरा फ़र्क ये है कि सेंट्रियोल के गर्द और दरमियान में फाइबर्स यानी धागे से नमूदार हो गए हैं इन धागों को जो सेंट्रियोल के गिर्द हैं एस्टर्स कहते हैं और जो दो सेंट्रियोल्स के दरमियान धागे यानी फाइबर्स हैं जो स्पिंडल की शक्ल में फैले हुए हैं इनको स्पिंडल फ़ाइबर्स कहते हैं अगर चाह पौधे के सेल में ये सेंट्रियोल्स नहीं होते मगर ये धागे यानी एस्टर्स और स्पिंडल फ़ाइबर्स ज़रूर बनते हैं अब इन्हीं तब्दीलियों को हम सेल की तकसीम की फ़िल्म में देखते हैं ये सियाह धागे से जो नुमायाँ हो रही हैं क्रोमोसोम्स हैं जो एक दूसरे से आलहदा हो रही हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई है अब क्रोमोसोम में हरकत करते नज़र आ रही हैं प्रोफेस के अख्ताम के करीब क्रोमोटेट्स के सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं अगली स्टेज मेटाफेस की है इसमें क्रोमोटर्स स्पिंडल के वस्त में यानी इक्वेटर में एक तरतीब से अरेंज होना शुरू हो गए हैं शक्ल सेल की तकसीम की तीसरी स्टेज एनाफेज की है इस स्टेज पर क्रोमेटिड्स का जोड़ा एक दूसरे से अलहदा हो गया है जहाँ पर क्रोमेटिड्स का सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ था वहां से स्पिंडल फाइबर टूट जाता है और यूं दो क्रोमेटिड्स अलहदा हो जाते हैं इस स्टेज पर स्पिंडल फाइबर सुकड़ते हैं और उनके साथ जुड़ा हुआ क्रोमेटिड जो अब क्रोमोसोम कहलाता है वो भी हरकत करता है इस वजह से इस शक्ल में हमें क्रोमोसोम्स के दो एक जैसे सेट दो मुख्तलिफ़ सिरों पर नजर आ रहे हैं आइए अब इसी स्टेज की फिल्म देखते हैं आखिरी स्टेज की शक्ल देखिए इस मरहले पर स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर्स तकरीबन गायब होना शुरू हो गए हैं और क्रोमोसोम के दोनों सेट के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नमूदार हो गई है इस मरहले के आखिर तक क्रोमोसोम्स भी मादूम हो जाते हैं आखिरी स्टेज या टीलोफेज के बाद सेल का साइटोप्लाज्म तकसीम हो जाता है पौधों के सेल्स में एक प्लेट फ्रेगमोप्लास्ट नमूदार होती है जो सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है और यूं सेल तकसीम हो जाता है आइए अब इसी स्टेज की फिल्म देखते हैं मल्टी सेुलर जानदारों के जिसम में बनने वाले नए सेल्स या तो ऑप्टिमम साइज तक पहुँच कर तकसीम हो जाते हैं या फिर उनके जिसम में ख़ास फ़ेल के लिए मखसूस हो जाते हैं मसलन हाइड्रा एक मल्टी से जानवर है इसके जिसम के कुछ सेल सकड़ने फैलने की सलाहियत रखते हैं और इनकी वजह से ये अपना जिसम सकेड़ और फैला सकता है मसल हाइड्रा का तूली तराशा देखें तो हमें कुछ और सेल्स भी नज़र आते हैं जो इसके जिसम के ख़ास कामों के लिए मखसूस हैं मसलन ये सेल्स ख़ुराक हज़म करने में मदद देते हैं इस तरह ये सेल्स एंजाइम अफराज़ करते हैं इनके अलावा हाइड्रा में कुछ सेल्स नेटवर्क सा बनाते हैं यानी जाल की सूरत में इस तरह से फैले हुए हैं कि इसके जिसम में पैगाम रसानी का काम करते हैं हाइड्रा मल्टी सेलर तंजीम की सादा सी मिसाल है इसकी साख्त आला जानवरों यानी ममालिया की तरह पेचीदा नहीं है इसमें हम देख सकते हैं कि ख़ास सेल्स मखसूस कामों के लिए मखसूस हैं यानी कि इनमें कार मनसबी की तकसीम या डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद है पेचीदा साख्त वाले मल्टी सेलुलर जानदार मसलन परिंदों मछलियों और ममालिया के जिसम के सेल्स आला सतह पर मिलकर काम करते हैं मसलन हम पाकिस्तानी इलाकई कौमी और सूबाई सतह पर मिलकर काम करते हैं इसी तरह ये मल्टी सेलुलर जानदारों के सेल भी टिशू ऑर्गन्स और, और सिस्टम की सतह पर मिलकर काम करते हैं एक जैसे सेल का गिरोह जो एक मुशतरक काम अंजाम दे उसे टिश्यू कहते हैं जैसे हमारे जिल की ऊपरी तह इस किस्म के सेल से बनी हुई है ये एक टिश्यू है या जैसे ये सेल्स मिलकर हड्डी बनाते हैं ये भी एक टिश्यू है हमारा खून जो एक से ज्यादा तरह के सेल से बना हुआ है ये भी एक टिश्यू है क्योंकि ये सब मिलकर मादों की तरसील का और जिसम के दिफा का काम करते हैं पौधों में भी इसी तरह सेल्स टिश्यूज की सूरत में काम करते हैं जैसे ये फ्लोइम सेल्स हैं जो कई सेल्स पर मुश्तमिल हैं इनका काम पौधे में खुराक की तरसील है औरगन ऐसी साख्त को कहते हैं जो बहुत से टिश्यू से मिल बनी हो और वह सब टिशू मिलकर एक मखसूस काम अंजाम दें जैसे ये पत्ता एक पौधों का ऑर्गन है इसमें कई टिश्यूज़ मिलकर काम करते हैं इसी तरह हमारी अपनी आँख भी एक ऑर्गन है जिसका काम रोशनी और रंगों को महसूस करना और बसरी बनाना है ऑर्गन्स का गिरोह जब मिलकर किसी एक फेल को पाया तकमील को पहुँचाता है उसको सिस्टम कहते हैं जैसे हमारा निज़ाम हज़म है इसमें जबान खुराक की नाली मैदा लबलबा और आते वगैरह मिलकर ख़ुराक हज़म का काम करते हैं इस तरह पौधों में भी तने और जड़ों का निज़ाम है जो मखसूस फेल अंजाम देते हैं आपने देखा कि कुदरत ने जानदारों के जिसम में किस कदर तंजीम और तरतीब पैदा कर रखी है अजीज़ तलबा आइए अब प्रोग्राम के अहम नुकत दो लेते हैं सेल की तकसीम से कई यक खलिया यूनीलुलर जानदार अपनी तादाद में इजाफ़ा करते हैं सेल की ऐसी तकसीम जिसमें तकसीम होने वाले सेल में क्रोमोसोम के दो एक जैसे सेट बना लें और नए बनने वाले हर सेल को क्रोमोसोम्स का एक जैसा सेट मिले माइटोसिस कहते हैं माइटोसिस एक मुसलसलमल है मगर सहूलत के लिए इसे चार मराहल में तकसीम किया जाता है प्रोफेस मेटाफेज एनाफेज टीलोफेस माइटोसिस शुरू होने से पहले हर क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी तैयार करता है और दोनों क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर के जरिए जुड़े रहते हैं माइटोसिस के मराल के दौरान क्रोमोटेट्स अलहदा होकर दो सेट बनाते और उनके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है और आखिर में साइटोप्लाज्म के तकसीम होने से दो नए सेल बन जाते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद और किस्म एक ही होती है नए सेल्स या तो नशोनमुमा के बाद दोबारा तकसीम हो जाते हैं या किसी फ़ेल के लिए मखसूस हो जाते हैं एक जैसे सेल का गिरोह जो एक मुश्तरक काम अंजाम दे उसे टिश्यू कहते हैं ऑर्गन ऐसी साख्त को कहते हैं जो बहुत से टिशू से मिलकर बनी हो और वो सब टिशू मिलकर एक मखसूस काम अंजाम दें ऑर्गन्स का गिरोह जब मिलकर किसी एक फेल को पाया तक मिल को पहुंचाता है उसको सिस्टम कहते हैं अजीज तलबा आज का प्रोग्राम सेल डिवीज़न यानी सेल की तकसीम के बारे में था इजाज़त चाहते हैं अल्लाह हाफिज़